लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो साहब, आपका हॉस्पिटल आ गया। अच्छा, आओ माँ, संभाल के हैं, आराम से। अच्छा, यहाँ बैठो। मैं अभी रिक्शा के पैसे देकर आता हूँ। ये लो भैया, 7 रुपए। ये क्या साहब? अरे 7 रुपए नहीं, 28 रुपए हुए। क्या, इतने कैसे हुए? अरे इस मशीन में तो 7 रुपए लिखे। क्यों, हमें गांव वाला समझकर लूटना चाहते हो? वाह रे वाह, हमसे 420 ही करते हो। ए साहब, अपने को 420 नहीं बोलने का क्या? ये लो कार्ड देख लो। अरे बड़ा आया कार्ड वाला, हम तो तुम्हें सिर्फ 7 रुपए देंगे बस। अब लेना तो लो, वरना हम चलते हैं। हाँ। ए भाई ज्यादा होशियारी मत दिखा, मेरे पैसे निकाल। तो नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ? अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप इसी अस्पताल के हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा नाम अमर है, हम राजगढ़ गांव के हैं। आपके अस्पताल में जो डॉक्टर माधुर है ना, हमारे गांव के हैं, आप उन्हें जानते हैं? जी जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने हमें यहाँ हमारे माँ के इलाज के लिए बुलाया है। अच्छा। अरे भैया, अपन के पास टाइम नहीं है, अपन के पैसे निकालो। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। इस ससुरे के मशीन में 7 रुपए लिखे हैं। अरे आपसे 28 रुपए मांग रहा है, ये लूटना है या नहीं? क्या क्या नाम बताता तुमने? अमर। हाँ देखो अमर, इसके मीटर के हिसाब से 1 रुपए का मतलब 4 रुपए होते हैं। तुम्हारे हुए 7 रुपए, तो 28 रुपए हुए कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 के सीधे 4 बन जाते थे। ठीक है, आप कहते तो हम दे देते। आओ आओ, ये लो 10, 20, 30, आपके 28 हुए ना, तो ये 2 रुपए बख्शीश। हम गांव वाले बड़े दिलदार होते हैं। लेकिन बेटा, हम लोग गरीब हैं, इतने बड़े अस्पताल का खर्च कैसे पूरा करेंगे? दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। तू खर्चे की फिक्र छोड़ दे और मुझे अपना फर्ज पूरा करने दे। ओए ड्यूटी खत्म होने के बाद तेरे को ले जाऊंगा शेरे पंजाब, वहां तेरे को बुलाऊंगा लस्सी, फिर करेंगे थोड़ा रोमांस। देख तू है छोटी सी नर्स, मैं वो छोटा सा वार्ड बॉय। अगर हम दोनों की शादी होगी ना, जो बच्चा पैदा होगा वो होगा बड़ा डॉक्टर। शट अप, अपनी ड्यूटी करो। वही तो कर रहा हूँ। चली गई, कोई बात नहीं, चलो चलो, टाइम हो गया, टाइम हो गया। वो डॉक्टरानी वेट कर रही है, चेकअप का टाइम हो गया। चलो जी। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या बीमारी है? अभी तो चेकिंग चल रही है फिलहाल, आप ये दवाइयाँ जल्दी से ले आइए। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे माफ कर दीजिए। एक तो जानबूझकर लड़की से टकराते हो, ऊपर हाँ। से माफी मांगने का ड्रामा करते हो। जी जी, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगो। जी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्रीति, तेरी मजाक करने की आदत अब तक गई नहीं? आप मजाक कर रही थी? हाँ, हर किसी के साथ मजाक करती रहती है सारी अमर। अरे नहीं, नहीं। मेरी सहेली बहुत मजाकिया है, वो हमेशा इसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। अरे नहीं नहीं। और हाँ, जल्दी से जाकर दवाइयाँ ले आओ। मैं जा सकता हूँ? जाइए। बहुत सीधा है, तू मुझे मरवा देगी किसी दिन यार। भाई साहब जी, आप यहाँ दवाइयाँ खरीद रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरी माँ बीमार है, मैं भी यहाँ दवाइयाँ खरीद रहा हूँ। ओ ₹500 क्या हो गया भाई साहब? मेरा वो पर्स साहब, साहब वो आदमी पर्स खो गया आपका? अच्छा, देखिए साहब जी, आज आप मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। देखिए, ये कोई खराती अस्पताल नहीं है, आप जा सकते हैं।
भाई साहब मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। जाइए यहाँ से। कहा ना मैंने आपसे एक बार, जा सकते हैं आप। क्यों बादशाह, ये आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? आज सवेरे किसी ने मेरी जेब मार ली, सारी जमा पूंजी चली गई। ओ बादशाह महाराज चिंता ना करो, और तुम्हारी पूंजी तुमको वापस मिल जाएगी। कैसे, तुम पुलिस में किसी को जानते हो? अरे पुलिस में नहीं, एक हमारा मित्र है, वो गरीबों का रखवाला है, उसके नाम से बदमाशों की हवा पुश करके निकल जाती है। वो अच्छों के साथ अच्छा है और जेब कतरों के साथ जेब कतरा है, यानी के बहुत बैड है। ओ, क्या नाम है उसका? उसका नाम जेम्स बॉन्ड शीन कॉनरी 009। देव कालिया, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि गरीबों को लूटना बंद कर दे, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हाँ भाषण मत दे अज्जू, अगर मैं लोगों को लूटता हूँ तो तू भी वही करता है। मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों को नहीं। सीधी तरह वो पर्स मेरे हवाले कर दे जो तूने मेडिकल स्टोर से मारा है। नहीं दूंगा। अमर, ये रहा तुम्हारा मुजरिम। यही वो जेब कतरा जिसने मेरा पर्स मारा था। निकालो निकालो, मेरा पर्स कहाँ है, निकालो। हे देव कालिया, देखता क्या है, निकाल इसका पर्स। अबे निकाल। ये लो अमर। आज आपने मुसीबत में मेरी मदद करके जो एहसान किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमर, इंसान ही इंसान के काम आता है, जब भी जिंदगी में जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। वाह 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 वाह, आप आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत। कभी हम आपको देखते हैं, कभी अपने घर को। आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? तुम पर। मुझ पर? अरे मुझ पर क्यों, मैं तो तुम्हारी इंतजार में बैठा बैठा दारू पी रहा था। देखो मिस्टर, शराफत का तकाजा यह है कि तुम इस वक्त मेरा हाथ छोड़ दो। क्यों, कोई दूसरा चाहने वाला मिल गया क्या? काफी समझदार हो, मगर ये मत भूलो कि मैं कोई बुढ़ी नहीं, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। जिस मोहल्ले में पहुंच जाती हूँ वहाँ हल्ला मच जाता है। हल्ला क्यों? हल्ला मच जाता है। पूजा बेटी, ये कौन सी बीमारी लग गई है मुझे? माँ जी, जैसी ही रिपोर्ट आ जाएगी बीमारी का पता भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके भाई साहब आए हुए हैं। कहाँ है वो? हॉस्टल में। माँ जी मैं ओए भले ही
ओए डार्लिंग रोजी, मेरी बाहों में आ जा, हो जाएगी कोजी कोजी। सपत, what nonsense is this? ओए नॉनसेंस नहीं है, ए प्यार दा सेंस है। ओए डार्लिंग, give me one chance, फिर देख इस पंजाब दे पट्टे दा रोमांस। यू मंकी चड्डी वाला? ओ मैंने पहन रखी है चड्डी, लेकिन खेलूंगा मैं तेरे साथ जोरदार कबड्डी। देखो मैन, ड्यूटी के टाइम पे हमको डिस्टर्ब नहीं करने का, हमको जाने दो। ओए ड्यूटी तो हो जाएगी 5 बजे खत्म, उसके बाद ले जाऊंगा मैं तेरे को होटल शेरे पंजाब, वहाँ खिलाऊंगा तेरे को मक्की की रोटी और सरसों का साग। अरे कुड़िये, तेरे खुल जाएंगे भाग, अरे पिएगी जब तू लस्सी, फिर तो तू संपत के साथ 100% फंसी। ओ यू शट अप, ओ शट अप शट अप मत बोल, ओ कम ऑन बोल। ओ यू गुड हेड भैया। कैसी है मेरी पूजा? बहुत नाराज हूँ भैया, आप तो संडे को आने वाले थे, फिर 4 दिन देर से क्यों आए? अरे भाई मैं अपने कारोबार के काम से बाहर चला गया था, जैसे लौटा सीधा यहाँ चला आया। ठीक है, देखो इस बार मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे किया तो फिर अपने भैया के कान काट के मुझे दे देना। अरे भाभी, आई मीन वुड बी भाभी, कहाँ थी अब तक? छुप छुप के भाई बहन का इमोशनल सीन देख रही थी। ये देखो तुम्हारे भैया तुम्हारी क्या क्या लाए हैं। भैया मेरे लिए तो आप सारा बाजार खरीद लाते हो, मगर खुद के लिए कभी एक रुमाल भी नहीं लाते। इसीलिए कहती हूँ मेरी होने वाली भाभी के साथ जल्दी घर बसा लीजिए, ताकि कोई तो हो जो आपका ख्याल रख सके। चुप, बहुत बोलने लग गई तू, पहले मैं तेरे हाथ पीले करूंगा भैया, फिर अपने बारे में सोचूंगा। बस मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है पूजा, कि तेरा कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तू एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, तेरा घर बस जाए, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सरिता डार्लिंग, मैं आ गया। अरे वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, वादे से 1 घंटा पहले ही आ गए। 1 घंटा पहले आ गए तो कोई बात नहीं, मैं भी चला जाता हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। बाय बाय। ओ माँ, ओ, अरे अरे अरे, मेरे क्या हुआ, क्या पेट क्यों दुख रहा है? मैं एम्बुलेंस लेकर आऊँ? नहीं नहीं नहीं, नर्सिंग होम में फोन करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मगर तुम पेट क्यों दबा रही हो? आप पेट नहीं दबाओ तो क्या करूँ? तुम्हारा लाडला बेटा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, दनादन चौके छक्के मार रहा है। अच्छा तो ये मामला है, एक बात कान खोल के सुन लो, वो बेटा नहीं है, बेटी है जो तुम्हारे पेट के स्टेज पर भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही है। नहीं बेटा, नहीं बेटी है। बेटी नहीं, बेटा बेटा बेटा, बेटी 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 बेटी। अच्छा 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 बाबा, अच्छा तुम जीती मैं हार गया, बस खुश, बस बस बेटी बेटी बेटी। आगे ना रास्ते पर, हाँ मजबूर मानना पड़ता है, लेकिन तुम भी रास्ते पे आ जाओ, वो पार्टी में चलना है, वो क्या नाम है दोनों का, कस्तूरी और प्यारी, हाँ वो दोनों पार्टी में इंतजार करेंगे। चलो चलो चलो। अच्छा मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। संभल के संभल के। होने वाली। थैंक यू थैंक यू। नाउ प्लीज हैव ड्रिंक्स, और खूब डट के पीना, कंजूस की पार्टी है। चीयर्स डार्लिंग। चीयर्स यार, मुबारक हो। चीयर्स। यस यार, आज तो सचमुच किसी का प्यारा हो गया भैया। ये ठीक नहीं हुआ। क्यों? आप गोरख भाई प्यारे भाई एक साथ बिजनेस करते हो, गोरख भाई तो पहले से ही शादीशुदा है, और प्यारे भाई के साथ साथ अगर आज आपकी भी सगाई हो जाती तो। जब तक मेरी प्यारी बहना के हाथ पीले नहीं हो जाते, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब तक मेरे भैया की देखभाल करने वाली भाभी नहीं आ जाती, मैं शादी नहीं करूँगी। तो फिर हम दोनों जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। सुखी रहोगे। कसूरी एक तजुर्बे की बात बताऊं? हाँ बोल। शादी कभी मत करना। क्या है, शादी के बाद एक दरवाजे से बीवी अंदर आती है तो आजादी दूसरे दरवाजे से बाहर चली जाती है। अरे भाई सुनो, वो आए। यस सर। तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो। जी मैं बीए पास हूँ। आई सी आई सी। कभी कोई जॉब वॉब की जरूरत हो, मेरा कार्ड है, ऑफिस में आके मिलना। थैंक यू सर। कितनी देर लगा दी आपने? 25 लाख का मामला है तो संभाल के लाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा जल्दी चलो डॉक्टर के पास। चलते
अजय अजय तू क्या कर रहा है? अजय मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, तू अच्छा आदमी है। छोड़ दे मुझे। अजय मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तो छोड़ दे। अजय छोड़ दे मुझे। अजय हाँ तो गोरख साहब ये रही आपकी अमानत। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल माय ड्यूटी। शाबाश नौजवान, तुमने कानून की मदद करके वाकई एक नेक काम किया है। कीप इट अप। इंस्पेक्टर, कानून इसे बहादुरी का इनाम दे या ना दे, लेकिन मैं इसे गद्दारी का इनाम जरूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारे इसे बैग मिल गया ना, मैं तो अच्छा जी मैं चलता हूँ। बम्बई में कहाँ रहते हो? जी मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, पास के गांव में रहता हूँ। अपनी माँ के इलाज के लिए शहर आया हूँ। तभी तो तुम्हारे दिल में इंसान के दुख दर्द का एहसास है, वरना आजकल लोग मुसीबत में किसी की मदद नहीं करते। ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना रखा। माफ कीजिए साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया, आपका कोई काम नहीं किया। आप ये रख लीजिए प्लीज। तुम यार बहादुर के साथ दिलदार भी हो तो एक काम करो, ये मेरा पता है रख लो, जिंदगी में कभी किसी भी आदमी को जरूरत पड़े तो इस पते पे आ जाना। थैंक यू, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। मोनिका। यस सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर आपने मुझे जॉब के लिए बुलाया था ना? हाँ याद है याद है। क्या बात है मोनिका, तुम? सर माँ बहुत बीमार है, घर की माली हालत काफी खराब है, अगर आपकी मेहरबानी से कोई नौकरी मिल जाए तो काफी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हैं? पूछो मत, पूछो मत। आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हुआ सर, आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर मुझे मेरी माँ याद आ गई, मेरी स्वर्गवासी माँ। उस बेचारे की क्या क्या तमन्ना थी, क्या क्या सपने थे। अरे ये सिंदूर देख रही हो? मेरी स्वर्गवासी माँ चाहती थी कि अपने हाथ से अपनी होने वाली बहू की मांग में भरती। अरे मगर मेरी तो किस्मत ही फूटी, वो मुझे यतीम करके चली गई। उसके उसके सब सपने सब तमन्नाएं यही रह गई। हाय उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। माँ तेरी आत्मा को कब शांति मिलेगी? सर चुप हो जाइए सर। मोनिका तुम ही हो जो मेरी माँ की भटकती हुई आत्मा को शांति पहुंचा सकती हो। जानती हो मेरी माँ चाहती थी कि उसकी होने वाली बहू तुम्हारी तरह सुंदर सुशील शर्मीली और घरेलू हो। तुम्हें वो सब गुण है मोनिका, सब गुण है। हे माँ, ये आपने क्या किया? आज से तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा मोनिका, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ मोनिका। मोनिका मोनिका तुम मेरी हो मोनिका, आज मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाए। ए प्यारे ये सब क्या है? है इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? वाइफ वाइफ नहीं वाइफ। कहाँ वाइफ? यहाँ कमरे में। मत पूछ मत पूछ मत पूछ, कसम से क्या गरम गरम कचौरी है यार। तेरी बात सुनकर तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे तो सोचता क्या है, तू भी जाके नाश्ता कर ले कर ले कर ले। हाँ
कितने अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं प्यारे का दोस्त कस्तूरी और तुम्हारा नया पति। ये मंगलसूत्र पहन लो और चलो स्वर्ग की सैर को हमारे साथ। छोड़ दो मुझे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारे दोस्त प्यारे की बीवी हूँ। तो क्या हुआ, प्यारे की माँ मेरी माँ, प्यारे की बहन मेरी बहन, और प्यारे की बीवी मेरी बीवी। छोड़ देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। वाइफ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो वाइफ? हैं? क्या हुआ? वाइफ, हरामजादे, अपने नापाक इरादों के लिए शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करते तुझे शर्म नहीं आई? अरे वाइफ, गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं। देखो, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा प्यारे मोहन। माँ ने कहा, अरे हमसे क्या शर्माना, हम दोनों पार्टनर्स हैं, जो भी काम करते हैं ना साथ साथ करने की कोशिश करते हैं। देखो वाइफ, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और मेरा दोस्त तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना चाहता है। अरे इसमें बुराई क्या है, है? जाओ अंदर मंगलसूत्र पहन लो, जिंदगी पेश करोगी। कमीने, क्या यही तेरा खानदानी रिवाज है? क्या इसके बाप ने तेरी माँ को मंगलसूत्र पहना था, उसे हम बिस्तर बनाया था? क्या हुआ? आओ सेठ जी, आओ, तुम भी आओ। इसके पास सिंदूर है, इसके पास मंगलसूत्र है, तुम क्या ढोली लेकर आए हो? क्या बहाना ढूंढा है एक औरत की इज्जत ढूंढने का? नहीं नहीं, मैं इस आदमी नहीं बाबा। नाटक मत करो, तुम सब लोग एक ही थैले के चट्टे पट्टे हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर कल तक तुमने मेरे साथ अदालत में शादी नहीं की तो मैं तुम सब लोगों को अदालत में नंगा कर दूंगी। यार तुम लोग सुधर क्यों नहीं जाते? तुम लोग साले अपने चक्कर में कोई दिन मुझे भी ले डूबोगे। भाषण मत दे गोरख, औरतों का शौक मर्दों का होता है। अबे जानने में जाओ तुम, हो तुम्हारा शौक, जैसे उस लड़की ने कहा कर करके दिखा दिया ना तो सब आरा के भाव में पहुंच जाएंगे। और तू, तेरे को तो गालियां देने के मेरे पास शब्द नहीं, पता नहीं। हट यार, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। यार प्यारे, गोरख ठीक ही कहता है, अगर उस लड़की ने हमें पुलिस के सामने नंगा कर दिया तो फिक्र मत कर यार। ये जो शरीफ औरत हमें दुआएं देकर गई है, इसे इंद्रलोक पहुंचाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। यार आज गोरख की वजह से एक हाथाई चिड़िया उड़ गई और उसकी गालियां अलग सुननी पड़ी। अरे यार, गोरख शादीशुदा है, सारा दुनिया देख चुका है, उसका सब कुछ उसकी घर की चार दीवारी में है, उसकी जिंदगी की हर चीज उसकी वाइफ अपनी सरिता भाभी है। लेकिन हम तो शादीशुदा नहीं है, हमारे तो खेलने कूदने के दिन है, साला हमसे चलता क्यों है, है? एक बात बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये गोरख हमारे से भी ज्यादा ठरकी है और हमारे सामने बनता है। यार क्यों ना इसका अप्रैल फूल बनाएं।